दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो हमारी जो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी शिप वंडर ऑफ द सी जो अभी बिल्ड हो रही है जिस यार्ड में, शिप यार्ड में, वो शिप यार्ड दिखाऊंगा और ये शिप कैसे बिल्ड होती है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में बिल्ड होती है। छोटे छोटे ब्लॉक्स पहले बनाए जाते हैं, फिर उनको बेल्डिंग किया जाता है, फिर ये बड़ी सी शिप जो है वो बनाई जाती है। तो दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो को काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स ये पीछे देख रहे हो, ये वेयर हाउस है ये शिप का। यहाँ पे हमारा, हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा सामान है, सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे रेडी करते हैं पहले शिप पे इंस्टॉल करने से पहले। तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो शिप के अलावा मुझे यहाँ पे भी काम करना पड़ता है। तो शिप पे मैं अभी सुबह से काम कर रहा था, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे डिटेल किया गया कि यहाँ पे आप काम करिए। तो अभी यहाँ से ख़त्म करके अभी मैं वापस जा रहा हूँ शिप पे। ये जो आपको पीछे ब्लॉक दिख रहे हैं ना, यहाँ पे सामने रखे हुए, ये दोस्तों शिप जो है ना वो एक साथ बिल्ड नहीं होती है। छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और फिर उनको शिप पे ले जाके और उनको बेल्ड करके फिर उनको शिप बनाया जाता है, एक शिप का रूप दिया जाता है। ये ऐसे ब्लॉक हैं, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, या कहो तो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, उनको टुकड़ों में बनाया जाता है और उसके बाद फिर इनको जोड़ दिया जाता है, फिर एक बड़े से शिप का रूप दिया जाता है। दोस्तों आपको जो सामने दिख रहा है ये भी एक ब्लॉक है, और इसमें जो आपको ग्लास के राउंड शेप के जो सर्किल दिख रहे हैं ना, इनको पोर्ट होल बोलते हैं। और ये जो ब्लॉक है वो क्रू केबिन्स में लगाया जाएगा, मतलब क्रू केबिन्स बनेंगे, क्योंकि जो पोर्ट होल है ना वो क्रू केबिन्स में होते हैं। और ये ट्विन डेक और डेक वन पे लगाए जाते हैं, क्योंकि क्रू केबिन में बालकनीज नहीं होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्लास ऑफ शिप, शिप कौन सी कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से ये उस डेक पर लगाया जाता है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यही पोर्ट होल मैं बता रहा था आपको। ये देखो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स ऐसे बना के और इनको फिर वहाँ पे ले जाके और इनको बेल्डिंग कर दिया जाता है। ये देखो सामने ये बड़ा सा डोर दिख रहा है, सेल डोर है ये, यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेस होगा यहाँ से, जब ये लगेगा तब पता चलेगा। पीछे मेरे देख रहे हो बड़ी क्रेन है, इससे ये ब्लॉक जो हैं ये उठाए जाते हैं, और भी काम आती है, बहुत सारे काम किए जाते हैं इस क्रेन से। फ्रेंड्स देख रहे हो ये है क्रेन, बहुत बड़ी है, ह्यूज है देखो, और इससे जो है ब्लॉक उठा के शिप तक पहुंचाए जाते हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है यार ये दूसरा एफिल टावर है। काफ़ी बड़ी है और ये मूव भी होती है आगे पीछे। और आपको लेफ्ट में दिखाता हूँ, ये देखिए ये वर्कशॉप है, यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, काफ़ी चल रहा है, काफ़ी बड़ा है ये भी। ये देखो ये यहाँ पे ना, ये देख रहे हो ना आप, ये सॉरी इस साइड में, ये यहाँ पे ये इसके ऊपर ये जैक कह लो, कुछ भी कह लो, इनके ऊपर ये ब्लॉक्स रखे गए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको ये। और एक ट्रक आएगा, वो ट्रक इसके अंदर घुस जाएगा और ये जो जैक है ना वो हटा दिए जाएंगे, तो ये जो ब्लॉक्स हैं वो उस ट्रक के ऊपर अपने आप रख जाएंगे। फ्रेंड्स जो आपको ये ट्रक दिख रहा है ना ये पीछे मेरे, ये जो है ये जो मैंने आपको वो दिखाए है ना ब्लॉक्स, वो ब्लॉक्स इसके ऊपर रख के जाते हैं और ये ब्लॉक्स के नीचे घुस जाता है और इसके ऊपर ऑटोमेटिक ब्लॉक आ जाते हैं, और ये ड्राइवर इसके सामने यहाँ पर आगे बैठता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ड्राइवर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। ये देखिए ये यहाँ पर इस जगह पर ड्राइवर बैठता है, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर। और जब ब्लॉक इस पे ऊपर रख जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि वो बाहर आके रिमोट से चलाता है इसको, मैं पीछे दिखाता हूँ आपको इसके, ये है ट्रक, और इसको रिमोट से भी चलाया जाता है, रिमोट से चल सकता है। और ये काफ़ी बड़ा है, ये देखियो कितने सारे टायर्स हैं इसमें, ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये ट्रक। मैंने आपको मेरे पीछे जो शिप दिख रही है ना, ये सेलिब्रिटी बियॉन्ड है, ये अभी रेडी नहीं है, थोड़ी दूर है, मैं दूर से दिखा रहा हूँ वो, देखिए अभी थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो अभी रेडी नहीं है, ये बन रही है, ये भी बिल्ड हो रही है सामने, ये बालकनी वगैरह आपको नहीं दिख रही होंगी। सेलिब्रिटी बियॉन्ड है, काफ़ी बड़ी है ये भी शिप। फ्रेंड्स आई होप ये ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ऐसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और रखें ढेर सारा ख्याल। लव यू ऑल, जय हिंद।